कंट्रोल सर्किट। डीजे कंट्रोल सर्किट लगाया गया है आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए। लोगों की सुरक्षा के लिए जब 8 में से कोई ऑक्सिलरी मोटर काम न कर रही हो, लोगों की सुरक्षा के लिए जब आर्नो काम न कर रहा हो, आरजीआर की सुरक्षा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि डीजे को बंद करते समय जीआर शून्य पर हो, शॉर्ट सर्किट व ओवर करंट से फीडिंग पावर सर्किट की सुरक्षा करने के लिए, ओवर करंट व अर्थ फॉल्ट से ऑक्सिलरी पावर सर्किट की सुरक्षा करने के लिए, ओवर करंट व अर्थ फॉल्ट से ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुरक्षा करने के लिए। यह डीजे को ट्रिप करता है जब एमपी को शून्य करने पर जीआर फुल नॉच पर फंस गया हो। डीजे के प्रकार। डीजे दो प्रकार के होते हैं, एबीसीबी एवं वीसीबी। वीसीबी तीन प्रकार के होते हैं, डबल इंटरप्टर वीसीबी, सिंगल इंटरप्टर हॉरिजॉन्टल वीसीबी एवं सिंगल इंटरप्टर वर्टिकल वीसीबी। एबीसीबी के डीजे कंट्रोल सर्किट में 6 ब्रांच होती हैं, Q118, Q45, Q44, C118, EFDJ एवं MTDJ। एबीसीबी में डीजे क्लोजिंग कॉइल EFDJ है एवं ट्रिपिंग कॉइल MTDJ है। डीजे कंट्रोल सर्किट को एनर्जाइज करना। डीजे बंद करने से पहले सुनिश्चित करें कि लोको ट्रैक पर एवं ओएची के नीचे हो। डीजे को बंद करने के लिए एडिशनल CCBA, CCBA, CCPT एवं CCDJ फ्यूज ठीक कंडीशन में हो। HDA को एक पोजीशन पर करें एवं सुनिश्चित करें कि बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक हो। HBA को एक पोजीशन पर करने के बाद कॉन्टैक्टर C118, C105, C106 व C107 के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक रिले Q44 व Q46 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक और GR 0 से 5 नॉच के इंटरलॉक द्वारा रिले Q118 एनर्जाइज हो जाती है तथा Q44 की ब्रांच पर Q118 नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद हो जाता है। MCPA को चलाएं एवं RS रिजर्वायर में 6.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक प्रेशर बनाएं। ABCP लोको में प्रेशर रिले QPDJ 5.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर एनर्जाइज होती है एवं 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर डी एनर्जाइज हो जाती है। MTDJ की ब्रांच पर इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद हो जाता है। VCB लोको में 4.65 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर QPDJ एनर्जाइज होती है, 4.0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर डी एनर्जाइज हो जाती है। BL को अनलॉक करें व सुनिश्चित करें कि चारों पायलट लैंप LSDJ, LSCHBA, LSGR व LSB जल रहे हो। ZPT को 0 पर लगाकर 1 पर करें। अगले पेंटो को उठाने के लिए 2 पर करें। अब पिछले पेंटो को उठाने के लिए पेंटो के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट में इसका एक इंटरलॉक बंद हो जाता है एवं Q45, C118, EFDJ व MTDJ की कॉमन ब्रांच पर इसका दूसरा इंटरलॉक बंद हो जाता है। VCB लोको में Q45, C118 व MTDJ की कॉमन ब्रांच पर। सुनिश्चित करें कि पेंटो उठ गया हो व कॉन्टैक्ट वायर को छू रहा हो। BLDJ को बंद करें व BLRDJ दबाएं। CCDJ, BP1DJ का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, BLDJ का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, ZPT का इंटरलॉक, BLRDJ का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक और GR 0 इंटरलॉक के द्वारा रिले Q45 एनर्जाइज हो जाएगी। जब Q45 एनर्जाइज होती है तो Q44 की ब्रांच पर इसका एक नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद हो जाता है व C118 कॉइल की ब्रांच पर दूसरा बंद हो जाता है।
तीसरा ऑक्सिलरी पावर सर्किट में Q30 की ब्रांच पर बंद होता है एवं चौथा ऑक्सिलरी पावर सर्किट में QLA के समानांतर बंद हो जाता है। तब Q45 नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, Q118 नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, GR इंटरलॉक शून्य और फुल नॉच पर बंद के द्वारा Q44 एनर्जाइज हो जाती है। जब Q44 एनर्जाइज होती है तो Q118 की ब्रांच पर इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक खुल जाता है। Q118 डी एनर्जाइज नहीं होगा क्योंकि 5 सेकेंड का टाइम लैग है एवं C118, EFDJ व MTDJ की कॉमन ब्रांच पर इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद हो जाता है। CCDJ, BP1DJ का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, BLDJ का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, ZPT का इंटरलॉक, Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक का इंटरलॉक, Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, QCVAR के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक के द्वारा C118 की कॉइल एनर्जाइज होती है। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में C118 कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है एवं DJ बंद होने से पहले स्टार्टिंग फेज तैयार हो जाता है। जब C118 कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है तो Q118 की ब्रांच पर इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक खुल जाता है एवं EFDJ की ब्रांच पर नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद हो जाता है। VCB लोको में MTDJ की ब्रांच पर नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद होता है। सेफ्टी रिले के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, C118 नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, DJ के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक द्वारा EFDJ एनर्जाइज होता है, साथ ही MTDJ भी एनर्जाइज हो जाता है। जब EFDJ एनर्जाइज हो जाता है तो DJ बंद करने के लिए एयर प्रेशर को DJ सर्वो मोटर में भेजता है। जब MTDJ एनर्जाइज हो जाता है तो DJ सर्वो मोटर में एयर प्रेशर जाना रोक दिया जाता है ताकि DJ बंद पोजीशन में बना रहे। VCB लोको में सेफ्टी रिले के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, C118 नॉर्मली ओपन इंटरलॉक व QPDJ के इंटरलॉक के द्वारा MTDJ एनर्जाइज हो जाता है। जब MTDJ एनर्जाइज हो जाता है तो पपेट वॉल्व में प्रेशर आता है और पपेट वॉल्व को उठाता है जिससे DJ बंद हो जाता है। जब DJ बंद हो तो QV60 रिले के द्वारा LSDJ बुझ जाता है। DJ बंद करने के बाद DJ के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक द्वारा EFDJ डी एनर्जाइज हो जाता है। अब DJ सर्वो मोटर में मौजूद प्रेशर एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा निकल जाता है एवं DJ स्प्रिंग द्वारा बंद कंडीशन में बना रहता है। VCB लोको में DJ बंद करने के बाद DJ के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक द्वारा रास्ता बना रहता है। चूंकि DJ बंद है व OHE में सप्लाई हो तो TFWR एवं TFWA एनर्जाइज हो जाते हैं। UA मीटर की सुई चलती है और Q30 एनर्जाइज हो जाती है। Q30 TFWA आउटपुट के 215 वोल्ट पर एनर्जाइज होती है। क्योंकि ये ऑक्सिलरी पावर सर्किट से जुड़ी रहती है, QV44 की ब्रांच पर Q30 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद हो जाता है। जब आर्नो चालू होता है और 155 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न करने लगता है तो QCVAR एनर्जाइज होती है एवं C118 कॉइल की ब्रांच पर इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक खुलने से स्टार्टिंग फेज अपने आप कट जाता है। जब C118 कॉन्टैक्टर खुल जाता है तो Q118 की ब्रांच पर इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक फिर से बंद हो जाता है एवं EFDJ ब्रांच पर खुल जाता है। VCB लोको में C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर खुल जाता है। आर्नो सहित 5 ऑक्सिलरी मोटरें MVSI1 and 2, MVSL1 and 2 और MPH काम करने लगते हैं। जब CHBA काम करने लगता है
तो सिग्नलिंग लैंप LSCHBA बुझ जाता है और लोको पायलट को BLRDJ छोड़ देना चाहिए। BLRDJ छोड़ने के बाद रिले Q45 डी एनर्जाइज हो जाएगी और विभिन्न ब्रांचों पर इसके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक खुल जाते हैं। Q44 को Q30 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, GR0 के इंटरलॉक इत्यादि के माध्यम से रास्ता मिलता है। साथ ही में Q44 को QVSI1 व QVSI2 के द्वारा सप्लाई मिलती है। अब डीजे Q118, Q44 व MTDJ की ब्रांच के माध्यम से बंद पोजीशन में बना रहता है। SMGR सर्किट।